जय जगन्नाथ। मैं सिटी से आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी केक। सूजी केक खाने में बहुत टेस्टी है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हाँ फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना। ये खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत सिंपल है। आप खाने के बाद आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये सूजी से बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। हमने यहाँ पे ले लिए 1 कप सूजी, ये मोटा वाला सूजी है। 1/2 कप दूध लिए हैं, 1/2 कप दही लिए हैं, 1/4 कप चीनी लिए हैं, 1/4 कप कोको पाउडर लिए हैं, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिए हैं, कुछ कैशन नट्स लिए हैं, 8-10 बादाम लिए हैं, फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस लिए हैं, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिए हैं, अभी एक मिक्सचर लिए हैं, उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे। हमने सूजी ले लिए हैं, शुगर ले लिए हैं, कोको पाउडर ले लेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारे सब ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से ग्राइंड हो गए। अभी हम सब लिक्विड चीज इसमें ऐड करेंगे। ½ कप दूध ऐड कर रहे हैं। दूध को उबाल के हम रूम टेम्परेचर में ले लिए थे। दही को अच्छे से फेंट के अभी ऐड कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। फिर से ढक्कन दे के हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। हम सबको ग्राइंड कर लिए हैं। इसका कंसिस्टेंसी बहुत मोटा है, आप देख पा रहे होंगे। इसको अभी हम एक बाउल में निकाल देंगे। मिक्सर जार में हम 4-5 टेबलस्पून अभी दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिला के हम बाउल में डाल देंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में हमको फेंटना है। इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से सूजी हमारा फूल गया। बेकिंग पाउडर ऐड कर लिए हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद ये थोड़ा सा फ्लॉपी हो गया। अभी इसमें सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। बादाम ऐड किए हैं, कैशू नट्स ऐड किए हैं, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। हम वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं, वनीला एसेंस ऑप्शनल है। हम सिर्फ स्मेल के लिए ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे।
एक केक कंटेनर ले लिए हैं, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड किए हैं, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सारे चारों ओर लग जाए। अभी हम नीचे से एक बटर पेपर लगाएंगे, आपके पास बटर पेपर है तो लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा आटा या मैदा आप चिटक के उसको सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। एक कढ़ाई बिठाए हैं, कढ़ाई में एक कप हम नमक लिए हैं, ये नमक थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, ये नमक में हम बहुत बार केक बना चुके हैं, इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे और ढक के इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में छोड़ देंगे। केक मिक्सचर को हम कंटेनर में डाल देंगे। अभी कंटेनर को थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे, जैसे कि इसके अंदर में जितना एयर बबल है सब निकल जाए। अभी कढ़ाई के अंदर हम एक कटोरी रखेंगे, अभी हम कंटेनर को इसके अंदर रख देंगे। आप बहुत केयरफुली रखिए क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। इसका ढक्कन बंद करके हम पहले हाई फ्लेम में 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, फिर 25 मिनट तक हम लो फ्लेम में इसको छोड़ेंगे। पच्चीस मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं, टूथपिक लेंगे उसको डाल के चेक करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मिक्सर लग रहा है इसमें, अभी ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे। फिर से हमारा मिक्सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अभी ढक के फिर से इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारा नाइफ बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा केक बन गया। हमको टोटल 50 मिनट लगा केक बनाने में। हम इसको ढक के ठंडा करेंगे, आप हमेशा ढक के ही ठंडा कीजिए, नहीं तो केक का ऊपर का पार्ट हार्ड हो जाएगा। केक ठंडा हो गया, हम इसे चारों तरफ से इसे काट लेंगे। काटने से इजी तरीके से केक निकल जाता है। अभी एक प्लेट रख के इसको पलटा देंगे। बटर पेपर को अभी निकाल देंगे। फिर से और एक प्लेट रख के पलटा देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा केक बन गया। इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के इसको डेकोरेट करेंगे। आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो वैनिला एसेंस, डेरी मिल्क चॉकलेट में वैनिला एसेंस डाल के उसको थोड़ा सा गर्म करके आप ऐसे ले सकते हैं। वेनिला एसेंस से इसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा। ऐसे ही हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे।
गार्निशिंग के लिए। आपके पास चॉकलेट चिप्स हो तो भी आप डाल सकते हैं। दिख रहा है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा केक। अभी काट के आपको दिखाएंगे इसके अंदर में कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही अच्छा बना है ना हमारा केक। ये खाने में बहुत टेस्टी है और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप घर पे एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।